वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शारदाबा निकेतन अलाय कक्षा पंचमी विषय अंग्रेजी। आज हम यूनिट दो के क्वेश्चन करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए पहले क्वेश्चन के अंदर वेयर डिड नितिन, पहला क्वेश्चन है वेयर डिड नितिन एंड श्यूम गो वन डे इन द मॉर्निंग। एक दिन सुबह नितिन तथा श्योम कहाँ गए। पहले प्रश्न का हिंदी अनुवाद क्या है, वेयर डिड नितिन एंड श्योम गो वन डे इन द मॉर्निंग। एक दिन सुबह नितिन तथा श्योम कहाँ गए, तो हमको आगे इसका उत्तर देखना है। उत्तर में है नितिन एंड शिवम वन टू ए पार्क वन डे इन द मॉर्निंग। तो नितिन और शिवम एक दिन कहाँ गए थे, पार्क के अंदर। तो देखिए नितिन एंड शिवम वन टू ए पार्क वन डे इन द मॉर्निंग, तो इसका आंसर यह हो जाएगा मॉर्निंग यानी सुबह के समय जब घूमने के लिए गए थे नितिन और शिवम, तो उस समय वे पार्क के अंदर गए थे। दूसरा है व्हाट इज प्राणायाम। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज प्राणायाम, तो इसका हिंदी में अनुवाद होता है प्राणायाम क्या है, व्हाट इज प्राणायाम, प्राणायाम क्या है। तो इंग्लिश में पढ़ते हैं प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। प्राणायाम है वो क्या है, श्वास का नियंत्रण तथा विस्तार है। प्राणायाम क्या है, श्वास का नियंत्रण तथा विस्तार है। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा देखिए व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम, तो इसका होता है कि प्राणायाम के क्या क्या लाभ है, प्राणायाम करने से हमारे को क्या क्या लाभ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाई प्रेस्टिंग प्रैक्टिसिंग प्राणायाम, प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारी वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट एंड ब्लड प्रेशर। प्राणायाम अभ्यास करने से हमारे क्या होता है, श्वसन दर तथा ब्लड प्रेशर को घटा सकती हैं, ठीक है ना। अगर किसी का श्वास ज़्यादा फूलता है या ब्लड प्रेशर क्या है ज़्यादा है, तो उसको घटा सकते हैं। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, इट रिलैक्स आवर बॉडी एंड माइंड, ये हमारे शरीर एवं दिमाग को तनाव रहित करता है। शरीर के अंदर क्या है, कोई भी तरह का तनाव नहीं रहता है। क्या है, शरीर के अंदर कोई भी तरह का तनाव नहीं रहता है। इट इंक्रीजेज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब ये हमारी जीवन प्रत्याशा को बढ़ाता है, मतलब जीवन को अच्छा आगे के लिए शरीर के लिए स्वस्थ रहने के लिए जीवन प्रत्याशा बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, प्राणायाम। इसीलिए व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम, तो प्राणायाम के ये लाभ हैं, प्राणायाम करने से हमारे शरीर के अंदर क्या क्या लाभ होते हैं, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज पूरक, पूरक क्या है, व्हाट इज पूरक, पूरक क्या है, तो इसके अंदर आंसर होगा द प्रोसेसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज कॉल्ड पूरक। श्वास अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है, पूरक कहलाती है। श्वास हम अंदर खींचेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, पूरक कहेंगे, और इंग्लिश में इसका आंसर है द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज कॉल्ड पूरक। आगे है हाउ डू यू क्लोज योर राइट नोस्ट्रल वाइल डूइंग रेचक, रेचक करते समय आप अपने दाएं ओर के नसा छिद्र को बंद कैसे रखते हो, वो हमारे को अंग्रेजी के अंदर बताना है, ठीक है ना। वाइल डूइंग रेचक, रेचक करते समय हम वी प्रेस आवर राइट नोस्ट्रल विथ थंब टू क्लोज इट,
रेचक करते समय हम हमारे दाएं ओर के नासा छिद्र को बंद करने के लिए अंगूठे से दबाते हैं। अंगूठे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? थंब कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, अंगूठे से कौन से छिद्र को दबाएंगे? दाएं, हमारे दाएं ओर के नासा छिद्र को दबाएंगे तो हमारी रेचक करते समय क्रिया हो जाएगी। तो पांचवा प्रश्न क्या है, जैसे क्वेश्चन, वो डू यू क्लोज योर राइट नोस्ट्रल वाइल डूइंग रेचक, मतलब इसका आंसर हो गया वाइल डूइंग रेचक वी प्रेस अवर राइट नोस्ट्रल विथ थंब टू क्लोज इट। तो इस प्रकार आज हमने जो ये एक बनाया वीडियो इसके अंदर सारे क्वेश्चन और आंसर दिए हैं। तो आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी और आपको इसको पढ़ते हुए घर पे अभ्यास भी करना है।